दे आप में हो तो लास्ट। ठीक है, ये करते हमारा मिरर है। ठीक है, मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल से 2 सेंटीमीटर बनाएंगे फोकस, उससे 2 सेंटीमीटर बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमको रखना है पोल और फोकस के बीच में। पहली रे कैसे जाएगी बेटा? पैरेलल। प्रिंसिपल कैसी गई? पैरेलल। प्रिंसिपल कैसी गई? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस। एरो दिख रहे हैं। दूसरी रे हम लोग कहाँ भेजेंगे? पोल पोल पे। दूसरी रे कहाँ भेजेंगे? पोल पे। पोल पे मार्क करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये उतने ही एंगल से पास होगा। ठीक है, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे इस तरफ कहीं पर भी नहीं नहीं मिलेगी। लगेगी। ठीक है, इस तरफ कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और क्योंकि ये इस तरफ कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीछे खींचना खींचना पड़ेगा। इसको, पीछे खींचेंगे तो इसकी इमेज बननी नहीं चाहिए। इसको भी पीछे खींचेंगे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती हुई दिख रही है? तो इमेज हम लोग को कहाँ बनती हुई दिख रही है? इस पॉइंट पर बनती हुई दिख रही है। इमेज बी और कैसी ए है? वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली नहीं मिल रही, मिलती हुई दिख रही है। कल तक तो वर्चुअल क्यों? डेमिनेस थी। अच्छा वो पहले थी, वो कन्वेक्स मिरर की बताई। ठीक याद है है, इतना मुझे। एक चीज ध्यान रखो, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस हमेशा इस अच्छा तरफ रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ इसी रहेगा। तरफ। ये हमने डैश डैश सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से बनाया। ठीक है, वरना एक्चुअल फोकस कौन सा है हमारा? ये ये वाला एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है हमारा? ये। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? लेट्स से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो एक रे कैसे जाएगी? पैरेलल। ये रे जो पैरेलल गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। और जो दूसरी रे है वो कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वो जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और ये ऐसी की ऐसी क्या करेगी? वापस आ जाएगी। अब ये जो दो रेज है मेरे को यहाँ इस पॉइंट पर मिलती हुई दिख रही है, तो ये क्या होगी? मेरी इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या था? ये एबी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश क्या है मेरी इमेज। तो देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये इमेज कंपैरेटिवली छोटी है। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, सर ऊपर पैर नीचे। इमेज भी क्या है? सीधी बनी, सर ऊपर पैर नीचे। इस चीज को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। ठीक है ना। और तीसरा वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली मिल नहीं रही है, सिर्फ मिलती हुई दिख रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इमेज वर्चुअल कैसी इमेज बनेगी? नॉट एवरीवन जिसका दूसरा वर्चुअल, इरेक्ट लाइटली नहीं। और डिमिनिश। नहीं, जरूरी नहीं होता स्लाइटली डिमिनिश हो, कभी कभी ज्यादा डिमिनिश होती, डिपेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, दूसरा कोई केस होता ही नहीं। अगर तू ख्यालों में या तूने यूट्यूब पे ये चीज देखी कि रेस पैरेलल जा रही थी फिर वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखी, यही देखा होगा। ये बेटा केस नहीं है। अपन ने बोल दिया ना कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। यहाँ पे भी तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ही बन रही है। यहाँ पे बस ये इतनी डिमिनिश बन रही है, आपको कॉइन साइज की दिखती जो प्रिज्म पे है। हेडिंग डालो, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। डाला, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। पोल। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ब्रैकेट में लिखो, पोल इज टेकन एज ओरिजिन। पोल इज टेकन एज ओरिजिन।
सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken as positive, all distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, bracket mein likhna, right of the pole, positive, लिखो टू द राइट ऑफ द पोल, लिख दिया पॉजिटिव, राइट ऑफ द पोल पॉजिटिव, जो लगाने लगा दे, क्लिक एंड अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन अ डायरेक्शन opposite to incident ray are taken as negative. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो left of the pole negative. थर्ड पॉइंट लिखो, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड, ये सेकंड पॉइंट था, हाँ अब थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड साइन कन्वेंशन लिखो, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस are taken as positive. About the principal axis are taken as positive. And below the principal axis. Below the principal axis are taken as negative. ध्यान से समझो बेटा, दो तरह के मिरर हम लोगों ने पढ़े, कितने, दो, कौन कौन से दो मिरर पढ़े, एक पढ़ा कॉनकेव इस तरीके से और एक पढ़ा हम लोगों ने क्या, कन्वेक्स, ठीक है, क्या कॉनकेव के पास पोल होता है, हाँ, क्या कन्वेक्स के पास भी पोल होता है, हाँ, तो दोनों के पास क्या होते हैं, पोल होते हैं, और हमने बोला कि ये जो पोल होगा ये हम लोग सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल, और इसलिए हमने पोल को क्या माना, ओरिजिन माना, इसलिए हम लोगों ने पोल को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ओके। अब सुनो, इंसिडेंट रे हमेशा यहाँ से यहाँ आएगी, ये किसका डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे हमेशा यहाँ से आएगी, ये किसका डायरेक्शन है, अब क्योंकि हमें पोल से सारे मेजरमेंट्स लेने हैं तो इंसिडेंट यहाँ से यहाँ जब भी जाओगे तो आप पोल के राइट साइड पे जाओगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे, इसलिए ये सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब आप पोल से मेजर करोगे और कोई चीज यहाँ रखी हुई, तो पोल से आप जब इधर जाओगे तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, और इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसे क्या लोगे, पॉजिटिव, लेकिन आप इधर से इधर जाओगे तो उसको क्या लोगे, नेगेटिव। आया समझ में, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ मेजर करेंगे तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ मेजर करेंगे तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये लाइन, ओके, ये सेंटर से
जो डैश है इट मींस वो नेगेटिव है। जब तुम लोग कॉनकेव मिरर के डायग्राम बना रहे थे, जब तुम लोग कॉनकेव मिरर के डायग्राम बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? हर बार क्या ऑब्जेक्ट को इस तरफ ही रख रहे थे कि कभी ऑब्जेक्ट को इधर भी रखा था? नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही आ रहा था। यानी कि जब हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम पोल से हमेशा कहाँ जाएंगे? इधर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? नेगेटिव। नेगेटिव ओके, अब अगर हम लोग इमेज की बात करें तो जब इमेज यहाँ बन रही थी तो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जब इमेज यहाँ बन रही थी तो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर इमेज यहाँ भी बनती तो भी उसे हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्ट जो वो पोल है उसकी कौन से साइड पे आ रही है? राइट साइड। पर दी फिर बिलो नहीं होगी, बिलो के लिए अपन दूसरी कहानी पढ़ेंगे, मतलब नंबर अभी अपन राइट सिर्फ साइड। राइट लेफ्ट राइट देख रहे हैं। ओके, सिमिलरली जब हम लोग कन्वेक्स मिरर भी पढ़े तो कन्वेक्स मिरर में तो मुद्दे थे ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और इमेज यहाँ बनी थी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। और इमेज का डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या साइन कन्वेंशन समझ में आए? ठीक है, एक बात और छोटी सी बता दूं, जब हम लोग जैसे अभी इसने बोला क्या कि ये तो नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर बना है तो इमेज कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज है तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और नेगेटिव अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या